हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था और जो बाकी का पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wings। वह धीरे से उसने कुछ स्टेप लिए आगे की ओर, यानी कि वो लेज के किनारे तक आया और आकर एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को उसने अपने विंग यानी कि अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। He closed one eye then the other। उसने अपनी पहले एक आँख बंद की और उसके बाद दूसरी। And pretended to be falling asleep। और वह एक दिखावा कर रहा था सोने का, जैसे कि उसे नींद आ रही है। pretended, pretended means होता है झूठा दिखावा करना। Still they took no notice of him। अभी तक उसकी फैमिली में से किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया था। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। अब वहाँ से उसने देखा कि जो उसके अपोजिट जो प्लेटो था, जहाँ पर उसके भाई बहन उसके पेरेंट्स ठहरे हुए थे, वहीं पर उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो अपनी गर्दन के नीचे अपने सिर को रखकर सो रहे थे, यानी कि डोजिंग ऊँग रहे थे, हल्की नींद ले रहे थे। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उसके जो पिताजी थे वो अपनी वाइट बैक पर अपने पंखों को क्या कर रहे थे, वो प्रेनिंग मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, यानी कि उनको अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे थे अपने पंखों को। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसकी फैमिली में केवल उसकी मदर ही थी जो उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। वो उस पठार पर थोड़ा ऊंचे खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब उसका हृदय अपने बच्चे के लिए यानी कि सीगल के लिए धड़क रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट द पीस ऑफ द फिश। अब उसने क्या किया, उस मछली के टुकड़े को फाड़ लिया। दैट ले एट हर फीट। और अपने पंजों में रख लिया। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और फिर अपनी चोंच से उसकी प्रत्येक साइड को चट्टान पर दे मारा। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। और इस साइट को देखकर वह पागल हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल भूखा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, क्योंकि वह भी मछली को इसी प्रकार से फाड़कर खाना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मीन्स यहाँ पर होता है शार्पन, यानी कि शार्प करना। वह भी अपनी चोंच से इसी तरीके से स्क्रैप करते हुए मछली को शार्प करता था और उसके बाद खाया करता था। नेक्स्ट चलिए। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो अपनी मदर से कुछ खाना मांग रहा था और अपनी आवाज़ में ही उनको गा 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 कह के चिल्ला रहा था। काओ कॉल आ She screamed back derisively। अब उसकी मदर भी अपनी आवाज़ में उसको कुछ कह रही थी, काओ कोल आ, और वो उसको इस तरीके से दिखा रही थी जैसे कि वो उसकी ओर कोई ध्यान दे ही नहीं रही है। बट ही कैप्ट कॉलिंग पेंटिवली। अब उसकी मदर बड़ी, वह अपनी मदर से अभी भी विनम्रता से कुछ मांग रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और कुछ ही पल बाद उसने एक खुशी की चिल्लाहट दी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी मदर ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह उसको लेकर सीगल की ओर दौड़ पड़ी। ही लीन्ड आउट एगरली। वह उत्सुकता के साथ आगे को झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों को जोर जोर से उस चट्टान पर मारने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस,
जैसे ही उसकी मदर उसकी ओर आ रही थी, वह अपनी मदर के पास जाना चाहता था। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जैसे ही उसकी मदर ठीक उसके अपोजिट आई, शी हॉल्टेड, वह कुछ पल के लिए रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंखों ने कार्य करना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फेस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो मछली का टुकड़ा उसकी मदर की चोंच में था, वो सीगल की पोंछ से काफ़ी दूर था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, कुछ पल के लिए तो उसे सरप्राइज हुआ। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोच रहा था कि आकर उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन बाई द हंगर, और उसके बाद भूख से पागल होकर ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर डाइव लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और फिर एक चिल्लाहट के साथ वह आगे की ओर उस स्पेस में नीचे गिर गया। जो स्पेस उसकी लेज और जहाँ पर उसकी मदर आकर रुक गई थी, उन दोनों लेजिज के बीच में था। देन अ मॉन्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, यहाँ पर सीज्ड होता है जकड़ लेना, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक डर ने उसको जकड़ लिया। एंड इज हर्ड स्टोड स्टिल, और उसका हृदय एकदम शांत रह गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी नहीं सुन रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये केवल और केवल कुछ ही पल के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसने देखा, उसने महसूस किया कि उसके पंख आगे की ओर खुल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा थी वो क्या थी, उसके जो पंख थे वहाँ पर आकर रुक जाती थी। देन अंडर इज स्टोमैक एंड अगेंस्ट द विंग्स, यानी कि अब वो उस हवा का सामना कर रहा था जो कि पहले उसके पंखों को चीर देती थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि अब वो हवा को काटते हुए उसके पंख आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो और नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग यहाँ पर होता है पक्षियों का मंडराना। सोरिंग मैंने आपको बताया, सोरिंग होता है पक्षियों का मंडराना। अब वह ऊपर की ओर मंडरा रहा था। ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कभी नीचे की ओर और कभी आगे की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, जस्ट अब वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसको क्या था, थोड़े चक्कर आ रहे थे। यहाँ पर डिजी मीन्स होता है चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब उसने अपने पंखों को दोबारा से खोला और वो ऊपर की ओर मंडराने लगा और गा 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 कहते हुए ऊपर की ओर जाने लगा। काओ कोल आ हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर भी काओ कोल आ कहते हुए उसी के पास आ गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और अपने पंखों से ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगी। ही आंसर्ड हर विद मदर अनदर स्क्रीम, अब उसने भी पूरी चिल्लाहट के साथ अपनी मदर को आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उसके पिताजी भी चिल्लाते हुए उसी के ऊपर से उड़ने लगे। ही सा हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उसके बाद उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन भी उसी के पास उड़ रहे हैं, तेज़ी के साथ निकलते हुए, कभी ऊपर की ओर जाते हुए, कभी मंडराते हुए और कभी डाइव लगाते हुए, यानी कि वे सभी उसके सामने अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूर्ण रूप से इस बात को तो भूल ही चुका था कि वो कभी उड़ने से डरता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्राइकिंग श्रीली, अब वो भी वे सभी एक्टिविटी खुद कर रहा था जो उसके भाई बहन उसके सामने कर रहे थे।
ही वॉज नियर द सी नाव, अब वो समुद्र के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके सीधे ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, यानी कि सीधे अपने इस ओशियन को फेस करते हुए बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे एक विशाल ग्रीन सी था। विद लिटिल राइजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बेक साइड वे एंड कर्व्ड अम्यूजली, अब वो इधर उधर उड़ते हुए अपनी कभी चोंच को इधर करता कभी इधर देखता था। इस तरीके से वो इस पूरी एक्टिविटी का काफ़ी मनोरंजन कर रहा था, यानी कि वो इसको मनोरंजन के रूप में ले रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब उसकी पूरी फैमिली उसी के सामने उस ग्रीन सी पर आकर उतर गई। They were beckoning to him. वे सभी उसका समर्थन कर रहे थे, calling shrilly, तेजी से उसको आवाज़ दे रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. और जैसे ही उसने अपने पैरों को उस ग्रीन सी पर रखा, his legs sank into it. उसके पैर इसमें डूब गए। He screamed with fright. और डर से चिल्लाया and attempted to rise again flapping his wings. और दोबारा से उसने अपने पंखों फड़फड़ाने का प्रयास किया, उनको खोलने का प्रयास किया। But he was tired and weak with hunger. लेकिन इस बार वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और भूखा भी था। एंड ही कुडंट राइज, इसलिए वो वहाँ से नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और अलग अलग एक्सरसाइज करने के कारण वो काफ़ी थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर तो उस ग्रीन सी के अंदर थे। एंड देन हिज बैली टचड इट, और उसका जो पेट था, बैली मीन्स होता है पेट, यानी कि उसका जो पेट था वो समुद्र को टच कर रहा था। एंड He sank no further, और वो इससे आगे नहीं डूबा। He was floating on it, वह उस पर तैर रहा था। And round him his family was screaming, और उसी के राउंड उसकी फैमिली भी चिल्ला रही थी, praising him, उसकी प्रशंसा कर रही थी। And their beak were offering him scraps of dogfish, और फिर सभी ने मिलकर क्या खाया, dogfish, जो कि उनकी उनका फेवरेट फूड था। और सीगल भी बहुत भूखा था, उन्होंने सीगल को भी डॉगफिश ऑफर की। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी जो कि सक्सेसफुल रही। और उसकी मदर की वो ट्रिक जिससे वह उसको उड़ाना चाहती थी वो भी सक्सेसफुल रही। यही थी हमारी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अलॉट।